टोटका है, किसी ने यहाँ रखा है, आपके और हमारे खिलाफ टोटका रखा गया है। पहली बार तलाक कहे एक महीना गुजर गया है, दूसरी बार तलाक भी हम आपकी गवाही में कहना चाहते हैं। वो मुझे इद्दत के मुताबिक दूसरा तलाक दे रहे, करम कर मुझ पर, करम कर मेरे अल्लाह। आपा का इंतकाल हो गया। मैं झूठ बोलूं कि मुझे दिन चढ़ गए हैं? ये धोखा देने की बात नहीं है, ये राजा साहब को आस बंधाने की बात कर रही हूँ। सामान निकलवा दो और इन्हें जरा पैसे दिलवा दीजिए। सलाम सरकार। सलाम। आप ही के गुजरने का सुन के बहुत अफसोस हुआ सरकार। क्या करते, अल्लाह की मर्जी, सबर करना सरकार। जी हाँ सर। आप गए जब से उनकी सूरत ही नहीं समझा, आप नहीं थे ना, गए गुआइए और फिर छोटी बेगम साहब की अम्मी जान तशरीफ लाए थे, उन लोग अपने साथ छोटी बेगम साहब को बुला लेके चले गए सरकार। ठीक, जरा गाड़ी लगवाइए, हम राजबिहारी जा रहे हैं। जी अच्छा सर। क्या पिए, बदनसीबी देखिए हमारी, आपा गुजर गए, हम वहीं थे, भाई होकर भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके। ये तो बहुत बड़ा हुआ, लीजिए। आदम ने सेब खाया, एक बार उसे जन्नत से निकाला और हमें देखिए दो दो मर्तबा निकाले, एक बार इम्तियाज अली के यहां से और दूसरी बार आपा के यहां से। किस्मत में न जाने कहां कहां से निकाला जाना निकला। इसके बाद आप कहीं से निकाले नहीं हैं। आप इसे हंसी में ले रहे? हंसी में नहीं, खुशी में ले रहा हूं। आदम ने सेब खाया, उसकी जन्नत भले ही छिन गई हो लेकिन उसे ये जन्नत तो मिल गई, आपको भी मिल गई। क्या आप शमा बेटी को बेगम पाकर खुश नहीं है? लेकिन मन की जन्नत यूं ही नहीं मिला करती राजा साहब, कीमत अदा करनी पड़ती है, वो सब करते हैं। लेकिन आपा हमारी, आप ये सोचते हैं कि आप आपा की कब्र में मिट्टी नहीं डाल सके, पर मुझे ये दिखता है कि अगर आप आपा से पूछते हैं तो आपको ये जन्नत नहीं मिली। अब बताइए वो अच्छा था या ये अच्छा है? आप हर चीज को वकील की नजर से क्यों देखते हैं? अब क्या करूं, गलती आप ही की है। एक दुनिया हाथ में लेकर आप दूसरी दुनिया में क्यों जीना चाहते हैं? आइए आपको कुछ दिखाता हूं। आइए। कहां? आइए तो आपको कुछ दिखाना है। इसे देख रहे हैं आप, जंगली गुलाब का पौधा था ये, इस पर कलम लगाई गई। अब इससे पुराने फूल नहीं आएंगे, नए फूल आएंगे, और वो आते रहे इसलिए इसकी उस शाखा को काटना पड़ा जो पुराने जड़ से फूटती थी। राजा साहब,
आप अपनी आपा की जड़ में क्यों रहना चाहते हैं? हालात ने आपको जिधर भेजा उधर आप चले गए। आज अगर आप खुश हैं तो आपा के रवैये को याद करके अपनी खुशी खत्म क्यों करना चाहते हैं? हमारे दिल पर फोर्स था, किसी को तो बताना। मुझे बताया, बहुत अच्छा किया। शमा बेटी को मत बताइएगा। क्योंकि शमा को अगर बता दिया तो आपके दिल का बोझ उस पर हावी हो जाएगा और उसे जिंदगी भर ये खटकता रहेगा कि उसके कारण आप अपने आपा से खटक गए। राजा साहब, आपके यहाँ कब्र में मिट्टी छोड़ी जाती है और हमारे यहाँ बांस से मरने वाले की खोपड़ी को तोड़ा जाता है ताकि वो जल्द से जल जाए और उसकी याद भी खत्म हो जाए। जीने के लिए कुछ चीजों को अपने हाथ से दफन करके उनकी कपाल क्रिया करनी पड़ती है। खुशी से जीने का बस यही एक उसूल है। नफीसा, हरातन। जी बेगम साहब आ गए? जी नहीं। हेलो जी, आधा बज कर तुम राजा साहब आपकी बहन के इंतकाल का सुन के बेहद अफसोस। आप पे तो गम का पहाड़ टूट गया। अल्लाह आपको सबर दे और उनको गरीब रहे। जी शमा बीबी ठीक है, आराम कर रहे हैं। अगर आप बोली तो उठा के अभी बात करा दो। जी जी अच्छा, मैं आपसे टेलीफोन पर बात करा। जी जी खुदा। क्या कह रहे थे वो अब्बू? तुम्हारे को महल आ जाओ बोल रहे हैं। कल टेलीफोन करके उन्हें बोलेंगे कब गाड़ी भेजेंगे या खुद आके ले जाएंगे, टेलीफोन पे बता देंगे। अमिता रुक रुक रुक, राजमहल की रानी साहिबा, फोन करने को वक्त मिल गया तुझे? अमिता मैं मुसीबत में हूँ, अम्मी के घर हूँ। तू मुझसे आकर मिल, या तो अभी या कल सुबह। क्यों, क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत नहीं, बस अम्मी ने पैदा कर दी, एक बात दिल में बिठा दी और मैं उसके सूली पर लटक रही हूँ। तुझे कल सुबह आना ही होगा किसी भी सूरत में। मैं आ जाऊंगी लेकिन कुछ तो बता। मैं बता दूंगी, बस तू आ जा। अच्छा हुआ तो आ गई। पता नहीं ये अम्मी के दिमाग में कहाँ आ गया। ये कह रही है कि राजा साहब को नहीं बताना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मैं क्या करूँ? अगर तेरी अम्मी को डर है कि कहीं राजा साहब के दिल में डर ना बैठ जाए तो तुझसे भी बचाना हो। मैं मानती हूँ अम्मी डर रही है, पर वो जो कह रही है गलत कह रही है। हो सकता है, लेकिन ये भी कि सही हो। क्या तूने भी अलेक्जेंडर कामू और सात्री को पढ़ा है? अगर तू उनसे पूछेगी ना तो वो भी यही कहेंगे। उनकी एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी बिल्कुल यही है, जीने के लिए जो भी किया जाए सही। तुम्हें झूठ बोलो, धोखा दो, उम्मीद भी जीते रहेंगे और तुझे भी एक महीने का वक्त मिल जाएगा। इसमें गलत क्या है? तू मजाक कर रही है ना? जिंदगी खुद एक भोंडा मजाक है, अ क्रूड जोक जो सही हो और नेचर यानी इत्तेफाक में हमारे साथ खेला। यानी मैं वही करूं जो उनके पहले भी शायदा ने किया। सच बोल रही अमिता, तू क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरा सामना करा रही हूँ।
दो राहों से कि सच कहना या झूठ बोलना या धोखा देना, ये सब जिंदगी के रास्ते हैं। आदमी जो भी रास्ता चुनता है ना, फिर जिंदगी भर या तो उसके फल भुगतता है या उसकी सजा भुगतता है। इतनी सी बात वो समझ सकते हैं, इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाएगा, इसमें बेताबी की क्या बात है? कहां बेताबी की बात है शमा, अगर आदमी को धोखा होता है ना, और वो भी खास कर इतने लंबे अरसे के, तो ना वो वक्त पर भरोसा कर सकता है और ना लोगों पर भरोसा कर सकता है। उनकी बेतमीजी दूर करने के लिए मैं झूठ बोलूं? मैंने कब कहा, अगर हिम्मत है तो सच बोल दे। और अगर उल्टा हो गया? ओफ, फिर वही आ गई शमा। नहीं, ये बात नहीं है, मैं सच्ची रहना चाहती हूँ, तू उनसे बात कर। मैं क्यों? अम्मी मेरी बात समझेंगी नहीं, और उनसे बात करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तू उनको सब कुछ बता देगी, फिर मैं समझा दूंगी। अगर हम बुरा मान लिया तो? बुरा क्यों मानेंगे, सालिया अपनी बहन की बातें बहनों तक पहुंचाती है, और वो जानते हैं मेरे लिए क्या है। उनको सब कुछ बता दे और कह दे कि मुझे लेने आ जाए। नमस्ते जीजा जी, आपा के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जीजा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शमा तैयार? जी तैयार, अभी आते जी। चाय की प्याली नोश करवाएंगे। चलिए शुक्रिया, जरा जल्दी करवा दीजिए। तो तू जा रही है? हाँ मी, मैं जाऊंगी। और जो मैंने कहा? अम्मी, आपकी मोहब्बत और डर मैं समझती हूँ, लेकिन अब मैं उस घर की हूँ, अपने मसले मुझे आप सुलझाने दीजिए। तो क्या मैं तुझे फिजूल में ही यहाँ लेकर आई, फिजूल में ही समझाया, तो अब मेरी भी नहीं सुनेगी तू? अम्मी, आप बीच में मत पड़ना, आप उनकी बुरी बन जाएंगी। जो कुछ बनना है मुझे बनने दीजिए। तो इसका मतलब है तुमने उन्हें बताने की ठान ली है? मैंने उन्हें बता दिया है, जो कुछ होगा मैं संभालूंगी। आपने निकाह कर दिया, आपका फरीजा पूरा हुआ, अब दुआ कीजिए, और कुछ नहीं। अरे बेटा, अम्मी
आप खुद गाड़ी लेकर आए हैं? जी हाँ। ड्राइवर कहाँ है? चला गया। क्यों, नौकरी छोड़ दी? हमने छुट्टी दे दी। क्यों छुट्टी दे दी? मुझे भेजना पड़ा था, आप नाराज तो नहीं? शायद मुझे उसे भेजना नहीं चाहिए था। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। सलाम सर। वालेकुम सलाम। आप यहाँ गाइड हैं? जरा ये बताइए कि ये जो गोलकुंडे का किला है, यहाँ पर तालियों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, क्या यहाँ भी दे सकती है? जी हुजूर। जरा सुनवाइए। जो हुक्म सरकार। फासला कितना भी हो, आदमी कितनी भी दूर हो, वो अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरा उसे सुन सकता है। इसके लिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। फासला कितना भी हो, आदमी कितनी भी दूर हो, अपनी आवाज दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरा सुन सकता है, तीसरे की जरूरत नहीं। लेटी रहिए। आज हमने कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगा। हमें भी अच्छा नहीं लगा जब अमिता हमारे पास आई। आदमी चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए, कुछ भी हो उस सब उसे बताया जाए, कुछ छुपाया ना जाए। हम अपनी कमजोरी जानते हैं, हमें बच्चे की पीड़िता भी है, लेकिन आपकी अम्मी ने जैसा हमें समझा, जो कुछ आपसे करवाना चाहा वो हमें अच्छा लगा। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं समझा, मैंने उनकी बात नहीं मानी। यही हम शायदा से बड़ी होगी। बखुदा हम शायदा को कभी नहीं छोड़ते अगर वो अपने भाई की बातों में आकर हमें धोखा नहीं देती। लेकिन
आपने अपनी अम्मी की बातों को नहीं माना। हम बहुत अच्छा। फिर हम ही साफ कहना चाहते हैं, अगर हमसे बच्चा ना हुआ, आपको वारिस न मिला, आप बखुशी दूसरा निकाह कर लीजिए। मुझे मेहर नहीं चाहिए, बस इतना पढ़ा दीजिए, इस काबिल बना दीजिए कि अब्बू पर दूसरा बोझ ना पड़े। Oh,